डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमने लिया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं इस यूनिट से मैंने कोशिश की है कि उन सब को यहाँ पर लेके आऊँ आपके सामने तो आज का क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द स्पेसिफ़िक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान जो स्पेसिफिक रीजन होता है डीएनए सीक्वेंस का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान जो स्पेसिफिक रीजन होता है डीएनए सीक्वेंस का ठीक है ना उसका उस को आपने बताना है कि उस उस डिफरेंस को क्या कहते हैं दे आर नोन एज रेपिटेटिव डीएनए उस डीएनए को क्या कहते हैं रेपिटेटिव डीएनए मतलब वो उसमें क्या होता है जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना वो बार बार रिपीट हो रही है ठीक है ना और जहाँ पे ये बहुत बार रिपीट होती है उसको कहते हैं वी एन टी आर वी एन टी आर स्टैंड फॉर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट ठीक है VNTR. VNTR repeats, ना इसी की यही तो एक करेक्ट्रिस्टिक्स फीचर है डी फिंगरप्रिंटिंग का क्लियर है ये पॉइंट आई होप ये क्वेश्चन नंबर वन आपको समझ आया होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द समाल पीक अचीवड बाई द आपने बताना कि ये समाल पीक जो अचीव हो रही है रेपिटेटिव डीएनए से ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द डेनिस्टिक रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं डेनेस्टिक रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है ना तो उस टाइम डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग के टाइम पर समाल पीक जो अचीव हो रही है उससे हम क्या कहते हैं दे आर नोन एज सेटेलाइट डी एन ए इसको हम सेट डी एन ए भी कहते हैं ठीक है ना दे आर नोन एज सेटेलाइट डी एन ए साइन एसिडो थमिनी न्यूक् निको भी इसका नाम है ठीक है ना तो इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है सेटेलाइट डी एन ए नो और थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताओ जी आप द सिक्वेंस ऑफ सेटेलाइट डी एन ए जो सेटेलाइट डी एन ए है डो नॉट कोड फॉर प्रोटीन वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है बिल्कुल ट्रू है सेटेलाइट डीएनए जो है वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है तो क्या होता है कि टाइम आफ्टर टाइम जितना सेटेलाइट डीएनए बढ़ता जा रहा है वो उतना ही एजिंग की तरफ भी जाता है तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो है क्वेश्चन नंबर थ्री इज अ ट्रू स्टेटमेंट इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाउ डी कैन बी यूजफुल टूल कैन बी क्या कहता है हाउ डी कैन बी एज़ अ यूजफुल टूल आपने बताया कि ये कैसे है यूज़फुल टूल इन द फोरेंसिक एप्लीकेशंस फोरेंसिक एप्लीकेशंस में ये कैसे है यूज़फुल टूल देखिए फ़ोरेंसिक में क्या किया जाता है मान लो कहीं पे मर्डर हो रहा है मर्डर हुआ तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट ले लेते हैं अब उसका जो स्पेसिमल लेते हैं वो क्या ले सकते हैं वो हेयर फॉलिकल ले सकते हैं ब्लड ले सकते हैं सलाइवा ले सकते हैं ठीक है ना स्पर्म ले सकते हैं ठीक है ना कुछ भी ले सकते हैं मतलब लिक्विड पार्ट मेजोरिटी में ले सकते हैं तो हाउ डी एन ए कैन बी एज अ यूजफुल टूल इन द फोरेंसिक एप्लीकेशन तो क्या है शोइंग द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमर पॉलीमॉर्फिजम तो बिल्कुल ये सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिजम शो कर सकता है हेयर फॉलिकल के साथ ब्लड के साथ सेप्टम के साथ सीरम के साथ सलाइवा के साथ ये कर सकता है तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर विल भी ऑप्शन नंबर ए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है हाउ डज़ पॉलीमॉर्फिज्म अराइज़ पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आ सकता है रिकॉम्बिनेशन इज़ नॉट अ करेक्ट वे डिप्लॉयड इज नॉट अ करेक्ट वे हैप्लॉइड इज़ नॉट अ करेक्ट वे द ऑनली वे टू शो टू शो पॉलीमॉर्फिज्म इज़ म्यूटेशन द सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स लीड्स टू म्यूटेशन क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिस्ट्री के बेस पे क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ए डेवलप्ड बाय जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किसने डेवलप किया देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा क्रिक्स की तो आ, क्रिक ने क्या दिया था वा, वाटसन और क्रिक ने इन दोनों ने मिलकर डीएनए डीएनए uh, मॉडल दिया था क्या दिया था बेसिकली बी डीएनए मॉडल इन्होंने दिया था जो बेसिकली नाम से जाना जाता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ठीक है ना हरबिंद खुराना है तो खुराना ने क्या दिया था इन्होंने uh, कहा बताया था कि कोडान जो है जेनेटिक कोड में ईच कोडान जो एराइज होते हैं वो ट्रिपलेट में अराइज़ होते हैं ठीक है ना कोडन आर का नेचर कैसा है ट्रिपलेट है ठीक है ना तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पहली बार किसने डेवलप किया है तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा एल्स जेफरे तो एल्स जेफरे को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ए फिंगर इन्होंने डिवेलप किया बाद में इन्हें नोबल प्राइज भी इसके लिए मैं मिला था तो आपने ऑप्शन में बताना है कि एल्स जेफरे को किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला Now, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है question कहता है कहता बताओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रहा है कह रहा द टेक्निक यूज टू डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर डीएनए प्रिंट डीएनए प्रिंट पैटर्न के बेस पर टेक्निक इसको हम क्या कहते हैं देखिए इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं दिस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नोट करके रखना इज ऑल्सो नोन एज दिस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज ऑल्सो नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग ुलर फिंगर प्रिटिंग और यू कैन से दैट मॉलिकुलर प्रोफाइलिंग इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबो इससे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए प्रोफाइलिंग या मॉलिकुलर फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं किसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को क्लियर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलाइज ऑन कि ये किस पे आता है डिफरेंस इन द पैटर्न्स ऑफ जीन बिटवीन इंडिविजुअल्स बिल्कुल भी नहीं डिफरेंस इन ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ जींस बिटवी इंडिविजुअल बिल्कुल भी नहीं डिफरेंस इन जंक डी एन ए पटर्न बिटवी इंडिविजुअल्स ये वाला आता है ठीक है जिससे हम कहते हैं जंक पैटर्न जो है हम कहते हैं वी एन टी आर वी एन टी आर मैंने पहले बतायाबल रिपीट तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर नो ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनी सेटेलाइट पर क्वेश्चन आया कि मिनी सेटेलाइट क्या है क्या ये टेन टू ट्वेंटी बेस पेयर साइज है शोइंग सीवेंस विद इन द जीन बिल्कुल भी नहीं शॉट कोडिंग कोडिंग सीक्वेंस मिनी सेटेलाइट हो नहीं सकता से uh, के बाद मिनी सेटेलाइट नहीं बनता सेकंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास सेटेलाइट डीएनए बनता है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा तो आंसर बी दिस शॉर्ट शॉर्ट क्या है ये कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट थ्रू आउट द तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या मालिकुलर फिंगरप्रिंटिंग को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं देखिए फॉरेंसिक फॉरेंसिक फॉरेंसिकबॉरटरीज में भी या कि फॉरेंसिक स्टडीज में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज अगर पेरेंटेज डिस्प्यूटेड है तो वहां पर भी फॉरेंसिक लैब में इसको एज ए यूज किया जाता है इन पेडिग्री एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडिग्री एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हम और करते हैं इसको और टू स्टडी माइग्रेशन पैटर्न माइग्रेशन पैटर्न के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसके बाद टू कंफर्म सेल लाइन आइडेंटिटी की

टेक्निक को हम क्या कहते हैं तो याद रखना ना हम इसको एनिमल ब्लॉट कहेंगे ना एनिमल प्रोफाइलिंग कहेंगे ना ब्लॉट कहेंगे तो सिंपल में इसका नाम है एनिमल के रिलेटेड आएगा जू ब्लॉट क्या आएगा जू ब्लॉट आएगा ना ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है बताओ जी जो डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न है चाइल्ड का वो कैसा होगा क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा बोथ ऑफ द पेरेंट्स के लिए क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा बोथ ऑफ द पेरेंट्स क्या हंड्रेड परसेंट जो डीएनए प्रिंट है वो फादर का ही होगा कि हंड्रेड परसेंट प्रिंट जो है वो मदर का ही होगा क्या फिफ्टी परसेंट ब्रांड जो है वो फादर के साथ रिलेट करेगा और रेस्ट जो है वो मदर के साथ रिलेट करेगा रेस्ट रेस्ट मीन्स फिफ्टी परसेंट तो याद रखना डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग जब भी होगी तो फिफ्टी परसेंट जो कैट जो करेक्टर्स हैं वो पैटर्नल होते हैं और फिफ्टी परसेंट करेक्टर जो है वो मैटरनल होते हैं इन केस ऑफ अ चाइल्ड ठीक है ना तो फिफ्टी फिफ्टी कंट्रीब्यूशन होता है इसमें तो नाइन का आंसर नंबर डी आएगा आप देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी एन ए प्रोफाइलिंग टेक्निक टू डिमोस्ट्रेट द सिमिलरिटी बिटवीन डिफरेंट प्लान स्पीसीज अगर हम डिफरेंट प्लांट स्पीशीज की हमने डी एन ए प्रोफाइलिंग करनी है कोई स्पेसिफिक प्रोटीन कोडिंग डी एन ए सिक्वेंस रीजन के लिए तो उससे क्या कहा जाता है देखिए फाइटो फाइटो ब्लॉट भी नहीं कहेंगे प्लांट प्रोफाइलिंग भी नहीं कहेंगे ऑफ दीज तो नहीं आ सकता तो आंसर विल बी द गार्डन ब्लॉट इस टेक्निक को हम गार्डन ब्लॉट कहते हैं याद रखना जब डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इन केस ऑफ प्लांट्स की जाए तो उससे गार्डन ब्लॉट कहते हैं अगर हम एनिमल्स की कहेंगे उसे जू ब्लॉट कहेंगे और अगर हम ह्यूमंस की कहेंगे तो उसे सिंपल में डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टेटमेंट है स्टेटमेंट क्या कहती है पी सी आर इज़ आ डी एन एम्पलीफाइंग इन वी वो मैथड क्या कहता है पी सी आर जो है ये डी एन ए की एम्पलीफिकेशन है ये तो है लेकिन इन वी वो है बिल्कुल भी नहीं है पी सी आर जो है इट इज़ अ इन विट्रो क्या है ये इन विट्रो है ठीक है ना इससे किया जाता है इसको केमिकली प्रिपेयर किया जाता है इस इज़ इन विट्रो दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट है पी जो है इन विवो नहीं है इट इज़ इन विट्रो अगर इन विट्रो होता तो ट्रू है इन विवो है तो फॉल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन कहता है कि प्राइमर यूज इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरीज चेन रिएक्शंस आर कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है कौन सा प्राइमर यूज़ किया जाता है जब हम पॉलीमरीस चेन रिएक्शंस को करते हैं क्या वहाँ पे सिंगल से ट्रेंडेड डी एन न्यूक्लियोटाइड यूज किया जाता है कि डबल स्ट्रेंडेड कि सिंगल से ट्रेंडेड की डबल स्ट्रेंडेड आर एन ए वाला तो याद रखना इसमें यूज किया जाता है सिंगल स्ट्रेंडेड डी एन ओलिगो न्यूक्लियोटाइड इसमें, इसमें इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ना प्राइमर की क्या है थोड़ी सी सेंथेसिस करना ठीक है ना बाद में आगे फर्दर डेवलपमेंट नेक्स्ट एंजाइम करता है क्लियर है यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉलीमरीस यूज्ड फॉर पीसीआर इज एक्सटेक्टेड फ्रॉम जो पॉलीमरीस इस्तेमाल किया जाता है पॉलीमरी पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है बैठा इसकी याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन क्या पॉलीमरेज चैन रिएक्शन तो पीसीआर जो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? देखिए ईकोलाई से नहीं किया है होमोसेपियन से भी नहीं एक्सट्रैक्ट किया है सेकेरियोमाइसी सर्विसीज से भी नहीं तो इसको क्या है थर्मस एक्वेटिकस याद रखना ये हॉट स्प्रिंग्स पॉन्ट्स वगैरह में पाया जाता है तो इसका आंसर आएगा पॉलीमरीज को इस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है ये हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है हाई हाई टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया जो है ये सर्वाइव करता है तो क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्मस एक् एक्वेटिकस अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीसीआर के बेस पे ही है हाउ मेनी डी एन ए डुप्लेक्स इज ऑबटेंडेड फ्राम वन डी एन ए डुप्लेक्स देखिए अगर मैं एक डी एन ए डुप्लेक्स की बात करूँ ये हमारे पास डबल स्ट्रेंडेड डी एन ए है ठीक है ना इस एक डी एन ए में कितनी कॉपीज़ हैं दो कॉपीज़ हैं तो अगर मैं इसको देखूँ तो पहले डी नेचुरेशन होगी ना जो डबल स्टैंडेड डी एन ए वो ब्रेक होगा सिंगल स्ट्रेंडेड में ठीक है ना अब इस पर क्या होगा अब इस पर दूसरी कॉपी लगेगी इस पर क्या होगा इस पर ये इसमें ऐसे करके लगेगी ठीक है ना तो दो से कितनी कॉपी बनी एक से ट्रेंड से दो बनी दो से कितनी बनी चार बनी अब देखो एक साइकिल में कितनी बनी ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ ये डबल स्टैंडेड डीएनए था इस डबल स्टैंडेड डीएनए द्यौ ने कितनी कॉपीज बनाई इसने बनाई एक डीएनए ने कितनी कॉपी बनाई चार बनाई ठीक है ना? तो अब कितनी साइकिल करनी हमने पीसीआर की पीसीआर की हमने चार साइकिल करनी है ठीक है ना कितनी साइकिल चार साइकिल तो चार साइकिल करनी है तो कॉपी एक साइकिल में कितनी बनी चार बनी तो टोटल कितनी बनेगी फोर फोर हजार कितना होता है सिक्सटीन तो टोटल कॉपीज कितनी आएंगी इसकी इसकी आएंगी सिक्सटीन आई होप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट व्हाट टेम्परेचर डू डी नेचुरेशन डबल डी एन ए हेलिक्स टेक्सप्लेस देखिए मैंने क्या बताया डी नेचुरेशन क्या हो गया मान लो ये हमारे पास डबल स्टैंडेड डीएनए है इस डबल स्टैंडेड डीएनए को हमने सिंगल स्टैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते है, करना है इस प्रोसेस को कहते हैं डी नेचुरेशन क्या कहते हैं डी नेचुरेशन तो डी नेचुरेशन में क्या होता है कि डबल स्टैंडेड डी जो है डबल स्टैंडेड डी जो है क्या डबल स्टैंडेड डी जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंगल स्टैंडेड डी में ठीक है ना तो ऐसा कहाँ पे होता है ऐसा होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना 94 डिग्री सेल्सियस पे होती है डी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताओ मैंने क्या बताया कि डी नेचुरेशन ये याद रखना है डी नेचुरेशन किस पे हुई कितने नाइन कितने डिग्री सेल्सियस पे हुई नाइन्टी फोर डिग्री सेल्सियस पे हुई उसके बाद आपने दूसरा स्टेप आता है इसमें एनीलिंग क्या आता है एनीलिंग याद रखना है एनीलिंग होती है बेटा फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस पे ठीक है ना एनीलिंग के बाद बेटा थर्ड नंबर पर आता है सेंथिस थर्ड नंबर पर आता है सेंथस तीन स्टेप हैं पी के सेंथेसिस होती है 74 डिग्री सेल्सियस पे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 54 डिग्री सेल्सियस क्या कहता है एनीलिंग किस पे होती है तो 54 डिग्री सेल्सियस पे होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे है इसी के बेस पे क्वेश्चन क्या कहता है द टम्परेचर एट विच डी एन ए सेंथेसिस टेक्स प्लेस प्लेस इज द टम्परेचर एट विच डी एन एथेसिस टेक्स प्लेस इज सेवेंटी डिग्री सेल्सियस तो मैंने बताया पहले बताया मैंने डी नेचुरेशन कितने पे होती है नाइनटी पे होती है एनीलिंग कितनी होती है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे होती है ठीक है ना डिग्री सेल्सियस पे होती है उसके बाद सेंथिसिस कितने पे होगी ये भी होगी ये कितने पे होगी बेटा ये होती है सेवनटी फोर डिग्री सेल्सियस पे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर क्या है पीसीआर पीसीआर मैंने पहले बताया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये टेक्निक जो है ये किसने डेवलप की है देखिए अल्टमान भी नहीं है माइल uh, स्टीन भी नहीं है कोलार भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए कैरी मुलिस कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्निक बनाई थी पीसीआर टेक्निक का प्रोसेस जो है ये याद रखना आपने प्रोसेस में आते हैं तीन स्टेप इसका प्रोसेस जो है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होता है सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है डी नेचुरेशन क्या होता है डी नेचुरी नेचुरेशन मैंने बताया डी नेचुरेशन कहाँ पे होता है ये होता है बेटा नाइन्टी डिग्री सेल्सियस पर ठीक है ना डी नेचुरेशन में क्या होता है डबल स्टैंडर्ड डी सिंगल स्टैंडर्ड डी में टूट जाता है उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इसका एनीलिंग क्या आता है एनीलिंग एनीलिंग मैंने बताया कितने पे होती है 54 डिग्री सेल्सियस पे होती है थर्ड नंबर पे बताया मैंने सेंथिसिस क्या बताया सेंथिसिस सेंथिसिस कितने पे होती है सेंथिसिस होती है 74 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है 94 54 और 74 ये याद रखना पी सी आर टेक्निक में ये यूज़ होता था किसने डेवलप किया इसको कैरी मोलिशनेस को डिस्कवर अब देखिए ये जो डायग्राम है ये एक बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं पी सी आर इंस्ट्रूमेंट यहीं पर सब कुछ होता है अब पी सी आर क्या है क्या ये डी एन ए डिग्रेडेशन टेक्निक है बिल्कुल डी एन ए हो जाता है डबल स्टैंडर्ड डी से सिंगल स्टैंडर् डी एन उसके बाद एनीलिंग होती है जिसको कहते हैं एम्पलीफाइंग फिर सिक्वेंसिंग लग जाती है जब सीवेंसिंग लग जाएगी तो उसको सेंथिसिस कहते हैं तो आंसर विल बी द दल ऑफ दीज ठीक है ना तो पी क्या है आल ऑफ दीज आएगा इसमें ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पी क्या जो पी के रिलेटेड कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है क्या ये बिलियन ऑफ कॉपीज जो है डिजायर्ड डी की सेंथिसाइज कर सकता है माइक्रोग्राम क्वांटिटी ऑफ डीएनए से बिल्कुल कर सकता है ऑटोमेटेड पीसीआर सी आर मशीन्स आर कार्ड थर्मल साइकलर्स बिल्कुल ऑटोमेटिक पीसीआर जो है इसको थर्मल साइकलर्स भी कहते हैं ठीक है ना बिल्कुल कहा जाता है अ थर्मोस्टेबल डीएनए एन इज रिक्वायर्ड बिल्कुल थर्मोस्टेबल डी एन इसमें इस्तेमाल होता है कौन सा पॉलीमेस इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं टैग पॉलीमेरेस क्या कहते हैं टैग पॉलीमेरेस होता है तो इसका आंसर आएगा आलाव दि एबो तो और इसका आंसर आएगा आलाव दी एबो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मस एक्वेटिकस जो है ये सोर्स किसका है इज आ सोर्स ऑफ थर्मस एक्वेटिकस मैंने थर्मोस्टेबल है ये ये थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है ये थर्मोस्टेबल एंजाइम बनाता है और उस एंजाइम का नाम क्या बेटा टैग पॉलीमरेज क्या आएगा उसका नाम टैग पॉलीमरेज तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस जो है पी सी आर कहाँ पर इस्तेमाल होता है एक होता of, uh, DNA, है ना सीधा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शनिस ऑफ डी एन ए है ना ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है ऑफ डी एन ए फ्राम एम आर एन ए अब ये कहता है कि बताओ जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है रिवर्स होता है कि एम आर एन ए से हमने डी एन ए बनाना है तो क्या हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम क्या करता है ये एम को एज अ टेम्पलेट लेता है और बनाता है कम्प्लीमेंट्री डी एन एम आर ए मैसेंजर आर को लेता है और सी डी एन एट इज कम्प्लीमेंट्री डी बनाता है तो इसका सीधा सीधा ए नंबर ही आंसर आएगा चलो यहाँ पे थोड़ा रिवाइज होगा द फर्स्ट स्टेप ऑफ पी सी आर ईज देखिए पहला स्टेप क्या आता है मैंने बताया पहला स्टेप आता है डी नेचुरेशन दूसरा क्या आता है एनीलिंग तीसरा क्या आता है प्राइम एक्सटेंशन देखिए डी नेचुरेशन कहाँ पर होगा नाइन्टी डिग्री सेल्सियस में होगा इधर क्या होगा डबल स्ट्रेंडेड डी जो है ये किस में ब्रेक होगा ये ब्रेक होगा सिंगल स्ट्रेंडेड डी एन ए में ये ब्रेक डाउन होगा उसके बाद एनीलिंग एनीलिंग कहाँ पर होती है एनीलिंग होती है बेटा फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस में प्राइमर एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे होगी सेंथिसिस प्राइमर एक्सटेंशन मतलब सेंथिसिस सेंथिसिस कहाँ पे होती है सेवेंटी फोर डिग्री सेल्सियस में होती है तो पी सी आर किसने बनाया कैरी मुलिस ने बनाई तो ये तीन स्टेप रखना याद ये पहला स्टेप है दिस इज स्टेप नंबर वन दिस इज स्टेप नंबर सेकंड एंड दिस इज स्टेप नंबर थर्ड चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोस्टेबल पॉलीमरीज जितने भी हैं वो थर्मोस्टेबल पॉलीमरीज है एक्सेप्ट देखिए टैग पॉलीमरीज भी थर्मोस्टेबल है थर्मस एक्वेटिका से लिया गया है वेंट पॉलीमरीज भी थर्मोस्टेबल <laughs> है पी एफ यू पुफू पॉलीमरीज भी थर्मोस्टेबल है तो आंसर विल बी द डी एन ए पॉलीमरीज थर्ड डी एन ए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल एंजाइम नहीं है होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ये हमने डिस्कस किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिस मैच बिल्कुल बराबर अच्छा ये एक मिनट बटी हाँ ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द मिस मैच देखिए पॉलीमरीस में क्या होता है टैग पॉलीमरीस होता है बिल्कुल प्राइमर क्या है बिल्कुल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस है बिल्कुल सेंथिस जो है वो हमेशा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में होता है तो ए सी और डी इसका क्या आएगा ए सी और डी जो है वो करेक्ट है तो फाल्स कौन सा है टेम्पलेट जो है बेटा टेम्पलेट डबल स्टैंडेड डी नहीं होता है टेम्पलेट हमेशा सिंगल स्टैंडेड डी होता है क्या टेम्पलेट हमेशा सिंगल स्टैंडड डी होता है चलिए ये था आज का सेक्शन आज के सेक्शन में हमने एम डिस्कस किए किस दो टॉपिक पे हमने डिस्कस किए एक हमने डिस्कस किए डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग पर एक हमने डिस्कस किए डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग पर ठीक है ना होप आपको ये समझ आया होगा और दूसरा हमने डिस्कस किया पी सी आर ठीक है ना पॉलीबरीज चेन रिएक्शन पे अब आप आगे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको किस यूनिट के एमसीक्यूज चाहिए और किस यूनिट किस टॉपिक की आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए होप आप सब ने इस लेक्चर सीरीज़ को इन्जॉय किया होगा होप आप घरों में सब खैरियत से होंगे और अच्छे से इस लेक्चर सीरीज़ को देख रहे होंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे